हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम करता हूं वाराणसी फिंचेज एंड ब्लॉग में। विंटर सीजन में हम बर्ड को क्या दें जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और सारी चीज़ें सही हो, इसके लिए मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूं। ये है बथुआ। बथुआ को ऑल गुड या गोस फूड कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बथुआ। शोर बहुत हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही मस्ती में है, तो अब इनकी मस्ती ख़त्म हो। अब ये क्या है कि बथुआ विंटर सीजन में जाड़े के दिन में बड़ी ज़बरदस्त साग है। लीफ जो है इसकी पत्ती, बहुत ज़बरदस्त फायदे इसके होते हैं। वैसे तो सबके अलग अलग फायदे हैं, जैसे आपके पालक हो गया और चौलाई हो गई, मेथी का भी एक होता है, तो लूसन सन वगैरह भी डाले जाते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ जो है बथुए के बारे में, क्योंकि मैं अलग अलग विंटर सीजन में इनको वेजिटेबल देता रहता हूँ, लेकिन एक फूड जो है वो आप परमानेंट देते हैं विंटर सीजन में। गर्मी में तो ना के बराबर ही रहता है। तो अब बथुए क्या है, सर्दियों के मौसम में इससे मुफीस चीज़ जो है, बहुत मुफीस चीज़ तो और भी बहुत सी है, लेकिन ये भी उसमें से एक है। अब इसमें क्या है कि हमको देने में इसमें मिनरल भी मिल जाता है, विटामिन्स भी मिल जाती है। अब जैसे विटामिन्स की बात कह लें तो इसमें विटामिन्स ए, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और C पाए जाते हैं। मिनरल में आप कह लें तो मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, फास्फोरस और जिंक जैसी मिनरल पाए जाते हैं, और कैल्शियम, आयरन भी पाए जाते हैं। तो इससे क्या है कि इनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बॉडी को मेंटेन रखते हैं वो सारी चीज़ें खा के, क्योंकि कैप्टिविटी में है तो इनको तो हम ही देंगे तो मेंटेन रखेंगे। तो ये लाजमी है कि इनको डे बाय डे अलग अलग वेजिटेबल दें। अच्छा, ये क्या है कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, और जब इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो इनको सर्दियों वर्दियों का असर नहीं होगा। अच्छा, इसके फायदे ब्रीडिंग में भी हैं। अब जैसे काकाटेल तो सर्दियों में ज़्यादा आदमी ब्रीड नहीं करवा पाता है, लेकिन हाँ, उसको इस तरीके का अगर एटमॉस्फेयर दे रहे हैं तो वो भी ब्रीड करेगा। बर्ड कोई भी हो वो तो सालों साल ब्रीड करती है, बशर्ते कि उसको उस तरीके का एटमॉस्फेयर दिया जाए। ठंडे में आपको ज़्यादा ठंडी ना हो मेंटेन करे, गर्मी में ज़्यादा गर्म ना हो उसको मेंटेन करे, तो वो सालों साल आप अच्छे मिकदार में उनकी डाइट दें तो सालों साल ब्रीड करती है। लेकिन ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या क्या दें उनको और उससे क्या फायदा। अच्छा, क्या है कि ये लाइफ स्पीशीज़ है, तो इनको जब तक शौकीन अगर बंदा होगा तभी रख पाएगा। शौकीन बंदा होगा तो डेली केयर करेगा, केयर करेगा तो उनकी बीमारी या आजारी जो भी हो वो उसको धीमे धीमे पता चलेगी, उस हिसाब से ट्रीट करेगा। तो खैर दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी। अब देखिए, ये मेरा सेकंड पेयर है कॉमन, और इसकी ब्रीडिंग देखिए, इसको भी मैंने दे दिया है, और इसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं, इसने अंडा दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही डरपोक टाइप की चिड़िया होती हैं।
इनको ज़्यादा अगर छेड़छाड़ कर दिया जाए तो वो फिर मटकी से बाहर हो जाती हैं, अंडा हो या बच्चा हो छोड़ देती हैं। ये तीन अंडे दिए हैं, हमको लगता है कि बहुत ही डरपोक किस्म की होती हैं। ये हमारा सेकंड पेयर है, देखते हैं इसमें क्या है। मादा तो बैठी हुई है, अंडा ले की होगी, कितना दी है ये तो नहीं पता। ये फिंच है, कुछ फिंच तो हमारे पास बहुत थी लेकिन कुछ वजह से फिंच हमने किसी को दे दिया था, तो उसमें कुछ पीस से बची थी, फिर वो हमको दे दिए हैं करीब तीन पेयर। तो अब माशाल्लाह अंडा बच्चा कर रही हैं। खैर, बड़ी मस्त चिड़िया होती है फिंच। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गांव की तरफ और वहां का नज़ारा भी आपसे शेयर करते हैं। ये आगे हम लोग गांव साइड में, और अब ये हिरन या उसको क्या बोलते हैं, घरलोच, हमारी जबान में तो घरलोच या नीलगाय बोला जाता है। बड़ा ब्यूटीफुल नज़ारा है। इत्तेफाक से जहां हमको आना था वहां ये दिख गए, तो हमने सोचा कि चलो भाई इसकी भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे दर्शक देख सके। हालांकि यहां हमारा हमेशा आना जाना होता है, तो ये तो एक शॉर्ट वीडियो है, एक मज़ीद वीडियो आपको बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो लोग देखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे तो हमको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे।